आपके लिए प्यार का तोहफा लाया हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कबूल कर लिया। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। मैं बहुत गरीब था, ये समझ लो एक मेहनत कश तबके का मामूली इंसान, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। फैसला करना हमारा काम है, ये हक हम किसी को नहीं देते, तारी करने वाले को हम तबाह कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टसन YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और मुनमुन सेन की अभिनय से सजी फिल्म मिल गई मंजिल मुझे के बारे में, और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म मिल गई मंजिल मुझे एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 13 जनवरी 1989 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता हैं शांति लाल जे सोपारी वाला और फिल्म को निर्देशित किया है मोइन अमजद ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, मुनमुन सेन, शक्ति कपूर, शोभा, उर्मिला भट्ट, गिरीश कर्नाड, कल्पना अय्यर, अमरीश पुरी, ओम शिवपुरी, शुभा खोटे, विजू खोटे और जलाल आगा ने। फिल्म के गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है और 60% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1.60 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 1.50 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2.50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। दोस्तों बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म की शूटिंग साल 1983 में शुरू हुई थी लेकिन कुछ कारणों से फिल्म के निर्माण में देरी हुई जिसके चलते फिल्म को पूरा होने और रिलीज होने में तकरीबन 6 साल लग गए और यह फिल्म जनवरी 1989 में रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फैक्ट नंबर 2, साल 1983 में जब यह फिल्म लॉन्च हुई थी तब इस फिल्म का नाम मोहब्बत रंग लाती रखा गया था लेकिन बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर मिल गई मंजिल मुझे कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3, मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में पहले परवीन बॉबी को साइन किया गया था और परवीन बॉबी ने कुछ सप्ताह तक फिल्म की शूटिंग की और फिर अचानक गायब हो गयी। परवीन बॉबी के चले जाने के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे को साइन किया गया और उन्होंने भी फिल्म के कुछ सीन शूट किए लेकिन बाद में उन्होंने भी फिल्म से बाहर निकलने का फैसला किया। अंततः पद्मिनी कोल्हापुरे के फिल्म छोड़ देने के बाद मुनमुन सेन को साइन किया गया। फैक्ट नंबर 4, निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन के सहायक रहे मोइन अमजद की बतौर निर्देशक यह एकमात्र फिल्म है। मोइन अमजद ने इस फिल्म से पहले हार जीत, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं और जमाने को दिखाना है जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। फैक्ट नंबर 5, साल 1983 में जब यह फिल्म लॉन्च हुई थी तब नरेंद्र सिन्हा इस फिल्म के मूल निर्माता थे लेकिन फिल्म में हो रही देरी के कारण उन्होंने फिल्म का निर्माण करने से मना कर दिया। आखिरकार नरेंद्र सिन्हा के इनकार के बाद शांति लाल जे सोपारी वाला ने निर्माता के रूप में पदभार संभाला। फैक्ट नंबर 6, साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की टोटल 18 फिल्में रिलीज हुई थी और फिल्म रिलीज के बीच समय की कमी के कारण उनकी फिल्में आपस में क्लैश हो रही थीं, जिसके चलते उनके बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ रहा था और यह फिल्म भी उनमें से एक थी। फैक्ट नंबर 7, अभिनेत्री मुनमुन सेन की मिथुन चक्रवर्ती के साथ यह तीसरी और अंतिम फिल्म है। इस फिल्म से पहले साल 1986 में रिलीज हुई फिल्में जाल और शीशा में एक साथ काम किया था।
फैक्ट नंबर 8, मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के बेटे एरम सुल्तानपुरी इस फिल्म के सहायक निर्देशक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस फिल्म का सह निर्देशन करने से इनकार कर दिया। एरम सुल्तानपुरी और मोइन अमजद दोनों ही निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन के सहायक थे, और हम किसी से कम नहीं और जमाने को दिखाना है जैसी फिल्मों में नासिर हुसैन के साथ सहायक निर्देशक के रूप में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 9, साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म दो राहे का नाम पहले मिल गई मंजिल मुझे रखा गया था, लेकिन यह शीर्षक पहले ही मिथुन की फिल्म के लिए इस्तेमाल किया जा चुका था और शीर्षक के अधिकार नहीं मिलने के कारण फिल्म का नाम बदलकर दो राहे कर दिया गया। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के साथ गोविंदा और नीलम स्टारर फिल्म दोस्त गरीबों का भी रिलीज हुई थी। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प होगा कि साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की 5 फिल्में आपस में क्लैश हुई थी, जहाँ मिथुन चक्रवर्ती ने 1989 में टोटल 18 फिल्मों में काम किया था, तो वहीं गोविंदा की कुल 14 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें 6 जनवरी को मिथुन की मेरी जबान तो गोविंदा की चाई की ताकत, 13 जनवरी को मिल गई मंजिल मुझे और दोस्त गरीबों का, 24 फरवरी को गुरु और दो कैदी, 3 मार्च को हम इंतजार करेंगे और आसमान से ऊंचा, और 16 जून को मिथुन की दाना पानी, तो गोविंदा की 2 फिल्में जंगबाज और ताकतवर एक साथ रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।